हेलो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री के पार्ट फोर में हम देखेंगे कुछ ऐसी तीन प्रमेय जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो उनमें से पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय। और ये थेल्स प्रमेय क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के लिए यदि समझा जाए, त्रिभुज एबीसी है और यदि किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर, कैसी समांतर कोई एक लाइन खींची जाए और ऐसे खींची जाए कि वह अन्य दो भुजाओं को काट रही हो किन्हीं बिंदु पर, ठीक है ना। तो किसी भी भुजा के समांतर को एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर हम कहेंगे कि DE समांतर है किसके, BC के। तो ये जो लाइन DE है या पॉइंट D और E है वो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यही है इसकी थेल्स प्रमेय। यानी कि यदि DE समांतर DC हो तो कंडीशन क्या लग हो जाएगी यहां पर, AD बटा AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ओके, AD अपॉन DB, यानी कि AD ये वाला हिस्सा, सॉरी AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के, ठीक है ना। तो ये जो है इनका अनुपात बराबर होगा। इससे क्वेश्चन बनता है सीधा, जैसे आपको दे दिया कि AD 5 है और DB 3 है और आपको ये पूरा दे दिया 16, ठीक है ना, AC कितना दे दिया 16, और आपसे पूछ लिया X या AE का मान निकालिए। तो बहुत सिंपल है, अगर ये 5:3 में है, ठीक है ना, तो ये भी 5:3 में होंगे। तो 5 और 3 8, जबकि ये हो रहा है 16, डबल हो रहा है, ठीक है ना, टोटल क्या है, डबल हो रहा है। तो ये भी डबल होगा, 5 का डबल 10 हो जाएगा और 3 का डबल 6 हो जाएगा, ठीक है ना, तभी तो 10 और 6 16 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये समान अनुपात में, या इसको करने के लिए हम इसमें ए डी अपॉन डी बी बराबर ई अपॉन ई सी में इसके मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है, और वो क्या होता है कि यदि कोई त्रिभुज, फिर से एबीसी हम ड्रॉ करके समझें, तो अब इसमें क्या होगा, इसका थेल्स प्रमेय का अपोजिट हो जाएगा। और अपोजिट क्या है कि यहां पर क्या था कि पहले समांतर हो रही थी तो समान अनुपात में विभाजित हो रहे थे, और अब क्या होगा यदि समान अनुपात में विभाजित हो, यानी कि हमने कोई लाइन खींची है, यहां पर पॉइंट है डी और ई, और यदि आपको कंडीशन दी है एडी बटा डीबी बराबर ई बटा ई सी, ठीक है ना, एडी बटा डीबी बराबर ई बटा ई सी हो, तो क्या होगा, ये डी जो है वो बीसी के समांतर हो जाएगा, डीई समांतर बीसी। तो ये जो दोनों कंडीशन है वो एक दूसरे के क्या है, वाइस वर्सा है, अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के, ठीक है ना। अगर एक कंडीशन लगेगी तो दूसरी उसमें जरूर लगेगी, ठीक है ना। और तीसरी क्या है, आज की जो है महत्वपूर्ण तीसरी प्रमेय क्या है कि कोई भी अगर आप त्रिभुज लें, जैसे हमने त्रिभुज यहां एबीसी फिर से ड्रॉ किया, और इसमें क्या है कि किसी भी कोण की समद्विभाजक रेखा खींचे, समद्विभाजक यानी कि कोण को बराबर दो हिस्सों में बांटने वाली, सपोज दैट कोण ए की हम समद्विभाजक रेखा खींचते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोण ए उदाहरण के तौर पर अगर 60 है तो 30 30 के दो टुकड़े करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की एडी, ठीक है ना। तो अगर हम क्या कहेंगे यहां पर, एडी क्या है, एडी जो है वो बीसी की समद्विभाजक है, एडी कोण बीएसी क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि बराबर दो भागों में बांट रही है समद्विभाजक रेखा। तो कंडीशन क्या लग जाएगी, ठीक है ना, यदि ये है कोण एडी बीएसी की समद्विभाजक है, तो कंडीशन क्या होगी कि ये जो एडी लाइन है या पॉइंट डी है वो बीसी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, जिस अनुपात में एबी और एसी होंगे या कोण ए को बनाने वाली रेखा होंगी, यानी कि बीडी बटा डीसी, बीडी बटा डीसी ये किस अनुपात में बटेंगे, जिस अनुपात में एबी और एसी कोण ए को बनाने वाली भुजाएं और ए बी बटा ए सी होंगी, ठीक है ना। तो सपोज दैट अब क्वेश्चन इससे कैसे बनता है, जैसे आपको दे दिया, ये दे दिया 5 और ये दे दिया आपको 4, ठीक है ना, और आपको इस पूरी की लंबाई दे दी आपको 9, ओके। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 5:4 में है तो ये भी 5:4 में होंगे, और 9 में से 5:4 हम बांटेंगे तो 5:4 इस तरह से, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर 9 के बजाय इसको 18 कर दें तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, मतलब उसी अनुपात में विभाजित होगा। आप चाहें तो सारी वैल्यू उसमें रख के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है वो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रमेय हो गई, ठीक है ना। ये हो गया पार्ट फोर। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, आल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, गुड बाय।